है, तो इकोलॉजिकल निश क्या होता है कि जो स्पीसीज का जो रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर उसको हम इकोलॉजिकल निश के नाम से जानते हैं, रोल ऑफ ए स्पीसीज। The role of a species in an ecosystem is called ecological risk। ठीक है, तो ecological risk क्या है? किसी भी species का उस ecosystem में क्या रोल है, वो उस species का क्या होता है? ecological risk होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल रिस्क को कुछ साइंटिस्ट है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि किसी भी स्पीसीज का जो ऑक्यूपेशन है उसको भी किस नाम से डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक इकोलॉजिकल रिस्क है। लेकिन हम बात करें कि किसी स्पीसीज का जो रोल है, क्या रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है वो इकोसिस्टम के अंदर, वो उस स्पीसीज का क्या होगा? इकोलॉजिकल रिस्क। और कुछ साइंटिस्ट इसको डिस्क्राइब करते हैं एज ए ऑक्यूपेशन, किसी भी स्पीसीज का जो ऑक्यूपेशन होता है वो उस स्पीसीज का क्या होता है? इकोलॉजिकल मिस। और कुछ साइंटिस्ट इसको बताते हैं कि जो इकोलॉजिकल मिस होती है वो इकोलॉजिकल आपका प्रोफेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल मिस क्या है? प्रोफेशन ऑफ ए स्पीसीज या फिर ऑक्यूपेशन ऑफ ए स्पीसीज या फिर रोल ऑफ ए स्पीसीज इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल मिस। अब बात करें जो आपकी हैबिटेट है, हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल मिस में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है? जैसे हमने बताया था हैबिटेट तो क्या है? फिजिकल एरिया है जहां पे कोई भी स्पीशीज सर्वाइव करते हैं, वो उस स्पीशीज का क्या कहलाता है? हैबिटेट। बट उस हैबिटेट के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या रोल परफॉर्म कर रहा है, वो उस स्पीशीज का क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल निश। तो हैबिटेट क्या है? किसी भी स्पीशीज का एक आइडिया हम बता रहे हैं कि कोई भी आइडिया है कि जहां पे आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करता है। बट जो इकोलॉजिकल नीच है वो क्या होता है? किसी भी स्पीसीज का क्या होता है, क्या रोल परफॉर्म कर रहा है वो इकोसिस्टम के अंदर, वो क्या होता है आपका? इकोलॉजिकल नीच। अगर डिफरेंस की बात करें तो स्पीसीज का ऑक्यूपेशन इकोलॉजिकल नीच कहलाता है और स्पीसीज का जो एड्रेस है कि कहां पे वो फिजिकल एरिया में सर्वाइव कर रहा है, तो एड्रेस स्पीसीज का हैबिटेट कहलाता है, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन क्या कहलाता है उसका? इकोलॉजिकल नीच कहलाता है। अब बात करते हैं हम डिफरेंट इकोलॉजिकल रिस्क की बात करते हैं, तो एक होती है आपकी फंडामेंटल रिस्क, सेकंड होती है आपकी रियलाइजेबल रिस्क। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं फंडामेंटल रिस्क। फंडामेंटल रिस्क क्या होता है कि मैक्सिमम इनहिबिटेड एरिया वेयर स्पीसीज फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम अनदर स्पीसीज, कि एक कोई भी एरिया उस एरिया के अंदर जो मैक्सिमम जो एरिया होता है जहां पे कोई भी स्पीशीज सर्वाइव करती है वो उस स्पीशीज की क्या कहलाती है? फंडामेंटल रिस्क कहलाती है, जहां पे उस स्पीशीज को कोई दूसरी स्पीशीज इंटरफेयर ना करे। जैसे हम बात करें ये जो एक कंप्लीट हैबिटेट है, उस कंप्लीट हैबिटेट में ये वाला जो एरिया है जो ओवल शेप का जो एरिया हमने बनाया, ये स्पीशीज का क्या है? फंडामेंटल रिस्क है, जहां पे वो स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से क्या ना हो इंटरफेयर। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो मैक्सिमम इनहिबिटेड एरिया स्पीसीज फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस जो फंडामेंटल जो मिस होता है वो मैक्सिमम इनहिबिटेड एरिया जहां पे कोई भी स्पीशीज क्या करती है विदाउट इंटरफेरेंस के प्रेजेंट होती है, वो उस स्पीशीज का क्या होता है? फंडामेंटल मिस होता है। आपको क्लियरली आपको समझ में आएगा जब हम सेकंड टाइप की जब लिस्ट पढ़ेंगे, सेकंड है आपकी रियलाइजेबल लिस्ट। रियलाइजेबल लिस्ट क्या होती है? एक स्मॉल एरिया होता है, स्मॉल एरिया वेयर इंटरफेरेंस ऑफ ए स्पीसीज विथ अदर स्पीसीज मल्लिट किच्छ मेरी
ठीक है, तो फंडामेंटल निश वो होता है मैक्सिमम इनहिबिटेड एरिया जहां पे एक स्पीशीज सर्वाइव करती है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पीशीज, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल निश। सेकंड आपकी रियलाइज नीच, रियलाइज मतलब रियल नीच, जहां पे ये एक स्मॉल एरिया होता है, एक हाइपर वॉल्यूम होती है जहां पे स्पीशीज प्रेजेंट होती है विद इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पीशीज। जैसे ये वाला जो एरिया है, लार्जर जो एरिया है जहां पे एक स्पीशीज सर्वाइव कर रही है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पीशीज इज कॉल्ड फंडामेंटल निश। वाइल अदर जो स्पीशीज है, जैसे हम ये स्मॉल हाइपर वॉल्यूम की बात करें, एक स्मॉल एरिया की बात करें, जो डार्कर जो मैं सर्कल बनाया, तो यहाँ पे जो स्पीशीज प्रेजेंट होगी वो इस स्पीशीज से क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी। तो एक स्मॉल हाइपर वॉल्यूम एरिया वेयर स्पीशीज आर प्रेजेंट विद इंटरेक्ट विद अनदर स्पीशीज इज कॉल्ड रियलाइज्ड नीच। तो नीच दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी फंडामेंटल नीच, एक होती है आपकी रियलाइज्ड नीच। तो फंडामेंटल नीच क्या होती है कि जो लार्जर मैक्सिमम जो एरिया होता है जहां पे स्पीशीज विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पीशीज प्रेजेंट होती है, वो स्पीशीज का क्या होता है, फंडामेंटल नीच होता है। सेकंड आपकी रियलाइज्ड नीच, ये क्या होता है, एक स्मॉल एरिया होता है जहां पे स्पीशीज विद इंटरफेरेंस प्रेजेंट होती है अदर स्पीशीज से। तो लार्जर जो वो इनहिबिटेड एरिया होता है वो आपका फंडामेंटल नीच वाला होता है, और जो स्मॉल जो एरिया होता है वो आपका रियलाइज्ड नीच का होता है। नेक्स्ट हम बात करें इकोलॉजिकल नेक्स्ट जो टर्म है आपकी निश ओवरलैप, तो निश ओवरलैप क्या है, शेयरिंग ऑफ निश अमंग टू और मोर स्पीसीज इज कॉल्ड निश ओवरलैप। आपकी कोई एक निश है जिसमें आपकी मोर देन टू स्पीसीज प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, निश ओवरलैप। शेयरिंग ऑफ निश among two or more species, ठीक है। जैसे हम बात करें कि आपकी दो स्पीसीज है, एक स्पीसीज एक आपकी नीच ये है, इकोलॉजिकल नीच ये है, सेकंड इकोलॉजिकल नीच ये है, बट ये दोनों इकोलॉजिकल नीच में वो वाला पार्ट जहां पे क्या हो, आपकी शेयरिंग प्रेजेंट हो और मोर देन स्पीसीज प्रेजेंट हो, टू और मोर स्पीसीज प्रेजेंट हो, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, निश ओवरलैपिंग। तो ये वाला जो एरिया बीच में जो एरिया प्रेजेंट है जो मैं शेड कर रहा हूं, तो शेडेड जो एरिया है वो क्या आपका निश ओवरलैप है। तो शेयरिंग ऑफ ए निच अमंग टू और मोर स्पीसीज इज कॉल्ड निश ओवरलैप के नाम से। सेकेंड एक टर्म आती है निश विड्थ, तो निश विड्थ क्या होती है, ये डिस्क्राइब करती है एक रेंज को, एक डायमेंशन को, कि उस डायमेंशन के अंदर कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, कितनी पॉपुलेशंस प्रेजेंट है, उसको किस नाम से जानते हैं, हम निस विड्थ के नाम से जानते हैं। जैसे ये वाला जो एरिया था, ये जो शेयरिंग वाला जो एरिया था, इसको हम कह रहे थे निस ओवरलैप। और जो निस ओवरलैप का जो एरिया है जहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, पॉपुलेशंस प्रेजेंट है, वो क्या है आपकी निस विड्थ, ठीक है। तो आपकी निस ओवरलैप आपका वो शेयरिंग एरिया है जहां पे मोर देन टू स्पीसीज प्रेजेंट होती है, और निश विड्थ क्या होता है, टोटल डायमेंशन है, टोटल रेंज है जो डिस्क्राइब कर रही है कि इस रेंज के अंदर आपकी स्पीसीज प्रेजेंट है, आपकी पॉपुलेशंस प्रेजेंट है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं निश विड्थ से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कंपिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की। जो आपका कंपिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, इसको हम गोज प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, गोज प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कंपिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, और जो कंपिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, इसको हम गोज प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गोज प्रिंसिपल, कोई भी दो स्पीसीज है जिसकी इकोलॉजिकल नीड सेम हो, उसकी हैबिटेट, उसके नेचुरल जो रिसोर्स है वो सेम नेचुरल रिसोर्स को ईट कर रहे हैं, तो वो स्पीसीज कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंपिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल,
टू स्पीसीज कैन नॉट बी को एग्जिस्ट दैट यूज सिमिलर नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दो हम पैरामिशम की बात करें, ठीक है, एक आपका कल्चर मीडिया है जिसमें आपका एक पैरामिशम की एक स्पीसीज आपकी ओरेलिया स्पीसीज है, पैरामिशम ओरेलिया. सेकंड जो स्पीसीज है आपकी पैरामिशम कैडेटम. ठीक है, दो स्पीसीज है, दोनों स्पीसीज का जो नेचुरल रिसोर्स है, जो फूड है, जो एनवायरमेंट हो, सेम एनवायरमेंट को यूज कर, क्योंकि एक कल्चर मीडिया के अंदर इनको हम ग्रो कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू गोज प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, आपकी जो सिमिलर जो स्पीसीज है, आपकी दो स्पीसीज है जो सेम आपके नेचुरल रिसोर्स को ईट कर रही है, वो कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती. आवाज बहुत धीरे आ रही है, अभी भी धीरे आ रही है आवाज. सर बीच में सही आने लग गई थी और फिर से धीरे हो गई. बाकी बताओ सपना, पुनीत, अश्वनी, आवाज कैसी आ रही है? सही आ रही है, सही आ रही है सर. मे बी आपके नेटवर्क, आपके एंड पे नेटवर्क इशू हो सकता है. अब तो मैंने हेडफोन भी यूज किया हुआ है. ठीक है, तो हम स्टडी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसको हम गोज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं. अकॉर्डिंग टू गोज प्रिंसिपल, आपका जो दो स्पीसीज है जो कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो सेम नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं. जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने दो एग्जाम्पल लेंगे. एक तो हम स्पीसीज को क्या करेंगे, सेपरेट ग्रो करेंगे. हमने एक मीडिया कल्चर लिया, एग्जाम्पल में हमने एक सेपरेट मीडिया कल्चर लिया, उस मीडिया कल्चर में हमने किसको ग्रो करा, पैरामिशियम की ओरेलिया स्पीसीज को क्या किया, हमने ग्रो किया. तो एक ग्राफ है आपका, आपका एक है एक्स एक्सिस, एक है आपका वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं, हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आपका जो टाइम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और टाइम्स को हम ले रहे हैं डेज के अंदर, जैसे 5 डेज, 10 डेज, 15, 20, 25 डेज. और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, कि आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल 100 है, 150, 200, 250, 300 पीपल. तो आपने, हमने एक मीडिया लिया जिसमें हम कल्चर कर रहे हैं आपके पैरामिशियम की ओरेलिया स्पीसीज को, और उनका जो ग्रोथ है टाइम के अकॉर्डिंग, उनकी ग्रोथ को हमने ग्राफ प्लॉट किया. हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया टाइम को डेज के अंदर, और हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को. तो हमने देखा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा था, जो नंबर थे पैरामिशियम के वो क्या हो रहे थे, आपके इंक्रीज हो रहे थे. ठीक है, और हम कैसे ग्रो करवा रहे हैं, सेपरेट ग्रो करा रहे हैं. ओनली एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है, वो कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है आपकी, पैरामिशियम ओरेलिया. सेकंड में हमने क्या किया, एक और मीडिया कल्चर लिया सेम उसी तरह से, उसको भी कल्चर किया सेम रिसोर्स यूज किए, जो रिसोर्स हम पैरामिशियम ओरेलिया को कल्चर करते वक्त यूज किए थे, वही हम एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और आपका जो टाइम है वो डेज में लिया है, और वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है 5 डेज, 10, 15, 20, 25. और हमने y एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, आपके 100, 150, 200, 250 एंड 300 इंडिविजुअल्स. तो जब ये सेपरेट ग्रो हो रहे थे, तो ये भी जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा था, इनके नंबर क्या हो रहे थे, आपके इंक्रीज हो रहे थे पैरामिशियम की. सेकंड स्पीसीज हमने कौन सी ली है, पैरामिशियम कोडेटम. ठीक है, दो स्पीसीज ली और दोनों को हमने सेपरेट ग्रो किया. फर्स्ट में हमने सेपरेट ग्रो किया पैरामिशियम की ओरेलिया स्पीसीज को, सेकंड में हमने ग्रो किया पैरामिशियम की कोडेटम स्पीसीज को, और दोनों का हमने ग्राफ प्लॉट किया कि टाइम के अकॉर्डिंग उनके कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो दोनों के अंदर हमने जब सेपरेट इनको ग्रो किया, तो इनके जो नंबर्स थे वो नंबर्स कैसे इंक्रीज हो रहे थे, सेम वे से इंक्रीज हो रहे थे. अगर हम दोनों के नंबर देखें तो दोनों में जो नंबर है वो सेम वे से इंक्रीज हो रहे थे. बट हम थर्ड की बात करें, जब एक बार तो हमने दोनों को सेपरेट, दोनों स्पीसीज है जो पैरामिशियम की, हमने सेपरेट सेपरेट ग्रो किया. थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, सेम ग्राफ प्लॉट करेंगे, बट इस बार हमने कल्चर में क्या किया, दोनों स्पीसीज को क्या क्या हमने कल्चर करवाया है.
तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ आपका बोथ स्पीशीज, जब हमने कल्चर की सेम वही आपका जो वाई एक्सिस पे है उस पे हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके 100 इंडिविजुअल्स, आपके 150, 200, 250 एंड 300 इंडिविजुअल्स। जैसे आपको अगर थोड़ा सा डिफरेंस, मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूं, ठीक है, जैसे मैं आपकी कोडेटम के लिए क्या कर रहा हूं, पिंक कलर का यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो पिंक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पैरामीशियम ओडिटम स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और व्हाइट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पैरामीशियम ओरेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने दोनों को सेपरेट करो किया, उनका ग्राफ प्लॉट किया कि कैसे उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड में हमने क्या किया, हमने दोनों को कंबाइन करके ग्रो करवाया कल्चर मीडिया के अंदर। तो हमने देखा, मैं एक बार ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है और टाइम आपका डेज के अंदर इंक्रीज हो रहा है, 5 डेज, 10 डेज, 15, 20 एंड 25 डेज। तो आपकी जो पैरामीशियम ओडेटियम की जो स्पीसीज का जो ग्रोथ थी वो आपकी सेम ग्रोथ हो रही थी जो आपकी सेपरेट में ग्रोथ हो रही थी, सेम उसी लाइक पैटर्न से वो क्या कर रहे थे, जो कल्चर के अंदर जो नेचुरल रिसोर्स पड़ रहे थे, जो न्यूट्रिशंस प्रेजेंट था उसको ईट करके अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे थे। बट आपकी जो पैरामीशियम कोडेटम था उसकी स्पीसीज क्या हो गई, उसके नंबर क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो गए, वो इतना इंक्रीज नहीं कर पाया। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, अगर इस एक्सपेरिमेंट से हम कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आपकी दो स्पीसीज ली और दोनों स्पीसीज के लिए हमने मीडिया में क्या डाला, सेम न्यूट्रिएंट्स डाले, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन रखी और दोनों को सेपरेट ग्रो किया। सेकंड बार में हमने क्या किया, दोनों को एक साथ कंबाइन करके ग्रो किया। जब हम सेपरेट ग्रो कर रहे थे तो दोनों सेम पैटर्न से ग्रो कर रहे थे, दोनों अपने नंबर सिमिलर वे से सेम नंबर इंक्रीज कर रहे थे, बट जब दोनों स्पीसीज को क्या किया हमने, एक साथ रखा, हमने ओरेलिया और हमने कोडेटम, ठीक है, बट आपकी जो पैरामीशियम ओरेलिया थी वो सेम वे से कर रही थी उन्होंने, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सेम स्पीसीज है वो कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं हो सकती। और इसी प्रिंसिपल को हम किस नाम से जानते हैं, कंपिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, और इसी को हम गोज प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। एक तो कंक्लूजन निकला आपका कि आपकी जो सेम स्पीसीज है वो कभी भी अगर सेम नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रही है तो कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, तो एक कंक्लूजन लिखा, टू स्पीसीज कैन नॉट coexist that use similar resource. Second, जो इसका conclusion लिखेगा, क्या conclusion निकल रहा है कि आपकी जो superior जो होगी, आपकी दो species थी दोनों सेम नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रही है, तो अपनी सर्वाइवलिटी को बनाए रखने के लिए जो आपकी सुपीरियर जो स्पीसीज होगी इंफीरियर स्पीसीज को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। दोनों स्पीसीज के अंदर क्या हो गया, कंपटीशन काज हो गया, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स था सेम यूज कर रहे थे, सेम नेचुरल रिसोर्स को यूज करना, तो कौन जो सुपीरियर होगा वो क्या करेगा, ज्यादा नेचुरल रिसोर्स का यूज करके अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, जो इन्फीरियर होगा वो फूड को रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि जो सुपीरियर है वो आपके जो इन्फीरियर है उनको एलिमिनेट कर देगा। तो सेकंड क्या होगा कंक्लूजन, कि आपके अगर दो स्पीसीज है को एग्जिस्ट कर रही है और सिमिलर रिसोर्स है तो उनके बीच में क्या डेवलप होगा, कंपटीशन डेवलप होगा, ठीक है। तो कंपटीशन के अंदर क्या होगा, आपकी जो सुपीरियर जो स्पीसीज है, जैसे हम बात करें ओरेलिया की बात करें तो ओरेलिया आपकी क्या सुपीरियर स्पीसीज है, ये सुपीरियर स्पीसीज क्या करेगी, आपकी जो इंफीरियर स्पीसीज है उसको क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। सेकंड, और कौन से वे से, अगर ये दोनों स्पीसीज एक साथ रहना चाहे, जैसे मैं बात करूं अगर ये दोनों स्पीसीज एक साथ रहना चाहे तो कैसे सर्वाइव करेगी, क्या चेंजेस लाए जिसके कारण ये दोनों एक ही मीडिया कल्चर में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके।
ये प्लीज मैसेज मत करो चैट बॉक्स में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता या दिख नहीं रहा तो माइक को अनम्यूट करके बोल दीजिए। क्लास के बीच में चैट में मैसेज मत किया करो, ठीक है। तो हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, जिसको हम गोज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू गोज प्रिंसिपल, कोई भी दो स्पीसीज कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती जो सिमिलर रिसोर्स को यूज कर रही हो, ठीक है। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक कल्चर मीडिया में हमने सेपरेटली पैरामिसियम की ओरिला स्पीसीज को ग्रो किया और एक में हमने पैरामिसियम की कोडेटम स्पीसीज को ग्रो किया। दोनों का ग्राफ प्लॉट किया, देन हमने दोनों को कंबाइनली ग्रो किया, देन हमने उनको ग्राफ प्लॉट किया। तो आपकी जो पैरामिसियम ओरिलिया स्पीसीज थी वो ग्रो कर रही थी आपकी सेम पैटर्न से, बट जो पैरामिसियम कोडेटम था उसके स्पीसीज के नंबर क्या हो गए थे आपके, डिक्रीज हो गए, क्योंकि दो स्पीसीज कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती जो सिमिलर रिसोर्स को यूज कर रहे हो, क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन हो गया। दोनों सेम रिसोर्स को ईट कर रहे थे, सेम फूड मटेरियल को ईट कर रहे थे, जिनके कारण दोनों में कंपटीशन काज हुआ। और कंपटीशन के वजह से जो आपके सुपीरियर स्पीसीज थी पैरामिसियम ओरिलिया, उसने आपकी जो इंफीरियर स्पीसीज थी उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया पैरामिसियम कोडेटम को, ठीक है। अगर दोनों स्पीसीज सेम मीडिया के अंदर अगर सर्वाइव करना चाहे तो कैसे सर्वाइव करेगी, तो डिफरेंट मेथड्स है। या तो आपका, जैसे हमने बताया कि आपकी जो सुपीरियर स्पीसीज है अपने आप को इवोल्व कर ले, अपने आप को स्ट्रोंग बना ले उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, या फिर क्या करे वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज ला दे, या फिर अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उसको यूज करना चेंज कर दे। जैसे हम बात करें, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपकी जो दो स्पीसीज थी, जैसे स्पीसीज वन और स्पीसीज सेकंड, दोनों क्या करें, जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो डार्विन फिंचेज का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। डार्विन फिंचेज पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया गैलापागोस आइसलैंड, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि आपकी जो डार्विन फिंचिस है वो ईट कर रही थी आपके जो सीड थे, लार्ज साइज के जो सीड थे उनको ईट करने का काम कर रही थी, बट एनवायरनमेंट के अंदर आपके लार्ज सीड भी प्रेजेंट थे, स्मॉल सीड भी प्रेजेंट थे और आपके माइक्रोस्कोपिक सीड भी प्रेजेंट थे, ठीक है। बट आपकी जो डार्विन फिंचिस थी वो ईट कर रही थी आपके लार्ज साइज के सीड को, ठीक है। अगर स्पीसीज आपकी जो डिफरेंट स्पीसीज वन स्पीसीज टू दोनों ईट कर रही है कौन से, लार्ज साइज का सीड का, मान लो दोनों स्पीसीज ने लार्ज साइज के सीड को ईट करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे आपके जो लार्ज सीड थे वो आपके क्या हो जाएंगे, एनवायरमेंट में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और आपके कौन से बचेंगे, ओनली जो आपके स्मॉल सीड्स है, इंटरमीडिएट सीड्स है, वो क्या होंगे आपके, ओनली प्रेजेंट होंगे।
तो इस टाइम पे अगर डार्विन फिंचेस को अपने आप को इवोल्व करना है, को एग्जिस्ट करना है, तो डार्विन फिंचेस ने क्या किया, अपनी बीक के साइज के अंदर और शेप के अंदर क्या किया, मॉडिफिकेशंस किया। इन्होंने अपने जो बीक का जो साइज था उनको क्या किया, चेंज किया। कुछ डार्विन फिंचेस ने अपनी बीक का साइज को इंक्रीज कर लिया, कुछ ने अपना जो साइज था वो इंटरमीडिएट रखा, किसी ने अपना जो साइज था वो इवोल्व करके क्या किया, बिल्कुल स्मॉल बीक साइज कर लिया। तो लार्ज जो बीक साइज था, लार्ज बीक साइज था डार्विन फिंचेस का, वो ईट कर रही थी आपके लार्ज सीज को, ठीक है, लार्ज सीज को, और आपके जो स्ट्रॉन्ग जो सीड थे उनको ईट करने का काम कर रही थी आपकी लार्ज साइज बीक डार्विन फिंचेस, और आपकी जो स्मॉल बीक साइज वाली जो आपकी डार्विन फिंचेस थी वो ईट कर रही थी आपके स्मॉल सीड को, आपके सॉफ्ट सीड को, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हम कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के अंदर, कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपकी जो दो स्पीसीज है अगर वो सेम एनवायरमेंट में कोएग्जिस्ट करना चाहती है विदाउट आपके कॉम्पिटिशंस के, तो क्या करेगी, आपकी जो फिंचेस है अपने शेप के अंदर साइज के अंदर क्या करेगी, चेंज करेगी। पहले जो डार्विन फिंचेस की स्पीसीज थी, डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज थी, उन्होंने क्या करती थी, लार्ज साइज के सीड को ईट करती थी, और लार्ज साइज को ईट करने के कारण जो सीड थे उस आइसलैंड पे लार्ज साइज के, वो आपके एक्सटिंक्ट हो गए। अब इन फिंचेस को अगर सर्वाइव करना है तो उन्होंने क्या किया, अपने कैरेक्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट किया, कुछ जो डार्विन फिंचेस थी उन्होंने अपने बीक के साइज को क्या किया, लार्ज किया, कुछ उन्होंने सभी ने अपने साइज के अंदर चेंजेस लाया। तो लार्ज साइज की जो बीक साइज वाली डार्विन फिंचेस थी वो ईट कर रही थी लार्ज साइज के, और जो स्ट्रॉन्ग सीड को उनको ईट करना स्टार्ट कर दिया। जो स्मॉल साइज की जो बीक वाली फिंचेस थी उन्होंने स्मॉल सीड और जो आपके सॉफ्ट सीड है उनको ईट करना स्टार्ट कर दिया। जो इंटरमीडिएट साइज की जो बीक साइज था उन्होंने इंटरमीडिएट साइज के जो सीड थे उनको ईट करना स्टार्ट कर दिया। तो तीनों जो स्पीसीज थी, डिफरेंट जो स्पीसीज थी, उन्होंने को एग्जिस्ट के लिए एक नया डिसीजन लिया कि वो कैरेक्टर को डिस्प्लेसमेंट करेंगे। जैसे हम बात करें कि आपके लिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जैसे किसी को चिप्स पसंद है, किसी को कुरकुरे पसंद है, किसी को स्नैक्स पसंद है, तो सभी क्या करते हैं, सभी को अगर चिप्स पसंद है तो चिप्स खाने से सभी क्या हो जाएगी, चिप्स तो खाए आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, बट बाकी जो रिसोर्स है वो अभी भी प्रेजेंट है। अगर ये अपने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं लाएंगे, कुछ कुरकुरे नहीं खाएंगे, कुछ स्नैक्स नहीं खाएंगे, तो आपके जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। तो कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए जो आपकी स्पीसीज है वो क्या करती है, अपने कैरेक्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट लाती है, और कैरेक्टर के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट लाती है जिसके कारण उनके अंदर कॉम्पिटिशन कम होता है, और दो स्पीसीज क्या कर सकती है, सेम नेचुरल रिसोर्स में क्या कर सकती है, को एग्जिस्ट कर सकती है। एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा डार्विन फिंचेस का, इन्होंने स्टडी किया डार्विन ने कि गैलापागोस के आइसलैंड के अंदर जो डार्विन फिंचेस थी वो लार्ज साइज के सीड को ईट करती थी, बट ड्यू टू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन डार्विन फिंचेस ने अपने जो बीक के साइज में उसमें चेंजेस लाया, शेप के अंदर, साइज के अंदर, और अपने बीक के साइज को क्या किया, चेंज किया। जो लार्ज साइज के बीक वाली डार्विन फिंचेस थी वो लार्ज साइज के सीड और स्ट्रॉन्ग सीड को ईट कर रही थी, और आपके जो स्मॉल साइज की बीक वाली जो आपकी डार्विन फिंचेस थी वो ईट करना स्टार्ट किया स्मॉल सीड को, सॉफ्ट सीड को। तो इनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन हो गया, डिफरेंट नेचुरल रिसोर्स को यूज करना हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, एक तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो एक जो बेनिफिट्स होता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का वो होता है आपका स्पेसिएशन के अंदर। स्पेसिएशन एक प्रोसेस होता है जिससे आपकी जो डिफरेंट न्यू स्पीसीज है उसकी फॉर्मेशन होते हैं। एक तो डिफरेंट एडवांटेज है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की, वो है आपकी स्पेसिएशन, ठीक है। तो स्पेसिएशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से क्या होती है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज फॉर्मेशन होते हैं, उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, स्पेसिएशन, ठीक है। तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट से स्पेसिएशन होता है, न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम स्पेसिएशन कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सेकेंड जो है इसका अडप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अडप्टिव रेडिएशन आपकी एक सिंगल स्पीसीज से क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज फॉर्म हो रही है, डिफरेंट अडप्टिव रे निकल रहे हैं। आपकी डार्विन फिंचेस की डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म हुई तो आपकी अडप्टिव रेडिएशन, तो आपका कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबल है आपके स्पीशीज के लिए, सेकंड आपका अडेप्टेशन के लिए। एक तो वो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज फॉर्म करता है, सेकंड क्या करता है, अडेप्टिव रेडिएशन फॉर्म करता है।